युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए पुलिस आयुक्तालय की ओर से महाविद्यालयीन छात्रों के लिए एक विशेष जनजागृति कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में 1000 से अधिक छात्रों ने हिस्सा लिया। जॉइंट सीपी अश्वती दोरजे के हाथों कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। डीसीपी क्राइम चिन्मय पंडित बतौर प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित थे। विगत 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशीली पदार्थ विरोध दिवस मनाया गया। इसे ध्यान में रखते हुए युवा छात्रों को नशे से दूर रखने के लिए मुहिम शुरू की गई है। पुलिस विभाग द्वारा तैयार की गई शॉर्ट फिल्म को सोशल मीडिया पर प्रसारित कर नशे से दूर रहने की सीख दी गई। छात्रों का मार्गदर्शन करते हुए दोरजे ने कहा कि नशीले पदार्थ बेचने वाले कम उम्र के युवाओं को ही टारगेट करते हैं। ड्रग्स और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन करने से शरीर पर तो दुष्परिणाम होते ही है, साथ ही भविष्य भी खराब होता है। डीसीपी पंडित ने भी छात्रों का मार्गदर्शन किया। आदीन व्यक्तींना कशा मदत करायची आहे, त्यांच्या मदत करणे, त्यांना या व्यसनातून मुक्त करणे आणि त्यांचे रिहॅबिलिटेशन करणे, त्यांची रक्षा करणे म्हणजे देशाची रक्षा करणे, अशी एक विधवाक्य हे घेऊन आम्ही इकडे या कार्यक्रमाचे आयोजन केलेले आहे। हर पोलिसांचे क्राईम ब्रँचला मी अभिनंदन करते की त्यांनी असे एक चांगले मोहीम हाती घेतलेले आहे। हे फक्त जून 26 जे अँटी ड्रग्स डे म्हणून साजरा केला जातात तसं सीमित राहणार नाही, पण आम्ही प्रत्येक दिवशी ड्रग्सच्या विरुद्ध नो बोलणार आहे, नो टू ड्रग्स असे कॅम्पेन चालवणार आहे। मनोचिकित्सक डॉक्टर श्रेयस मागिया और काउंसिलर अभिजीत सेन गुप्ता ने भी छात्रों का मार्गदर्शन किया। एंटी नार्कोटिक सेल द्वारा बुधवार को शहर भर के पुलिस स्टेशन में जब्त किया गया 528 किलो गांजा समिति के समक्ष नष्ट भी किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए इंस्पेक्टर मनोज सिडाम, एपीआई बद्री नारायण तांबे, अरुण बकाल एवं अन्य पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने अथक परिश्रम लिए। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज, नागपुर।